नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। आखिरकार केंद्र सरकार द्वारा लंगर से जीएसटी को समाप्त करने पर आम जनता में खुशी आ ही गई। जनता का मानना है कि सरकार को लंगर पर शुरू से ही जीएसटी पर छूट करनी चाहिए थी। पंजाब सरकार ने अपने हिस्से की जीएसटी पहले ही माफ कर दी थी। सरकार आई दुरुस्त आई, वहीं जनता ने जहां सरकार का धन्यवाद दिया, वहीं जनता ने हर मृत कोर बदल का भी धन्यवाद दिया जिन्होंने जीएसटी को समाप्त करवाने के लिए अपनी कुर्सी छोड़ देने तक की बात कही थी। वहीं जनता ने पंजाब सरकार का भी लाख लाख धन्यवाद किया। खास करके क्योंकि मैं अमृतसर में बिलोंग करती हूँ और गोल्डन टेम्पल जी रिलीजियस प्लेस है, इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जब एक खबर आई थी कि जीएसटी इम्पोज किया जाएगा सारे धार्मिक स्थानों के उत्ते, वॉट एवर इज द कॉन्टेक्स्ट टू दैट, ये बहुत अच्छी गल नहीं सी और ये ऑलमोस्ट जनता की भावना देश पहचान वाली गल सी और काफी लोग अपसेट भी हुए इस गल को लेकर। बट अज की जी खबर आई है कि जीएसटी जो इम्पोज किया गया सरकार ने हटा दिता है धार्मिक स्थानों के और गोल्डन टेम्पल खास करके, क्योंकि उसके श्रद्धालु काफी चाहते हैं, बड़े मायूस सके और एक गल सुन के बहुत खुश होंगे और जिन्हें तिरुपति है और बाकी धार्मिक स्थान है उसे भी जीएसटी जोड़ा है वो हटा देना चाहिए। गुरुद्वारा कमेटी के लोगों उत्ते बहुत वधिया काम किया है ते इस करके असी उन्होंने सरकार का हरसिमरत कौर बादल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखो जी केंद्र सरकार का पहला तो मेरा यह विचार है भी जीएसटी उन्होंने लाना ही नहीं चाहिए। चलो देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने बहुत शलाघायोग काम किया जी, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करना मैं। बाकी देखो जी कोई भी धर्म है लंगर सारे बराबर है जी, क्योंकि आप लंगर दे विच कोई पैसा नहीं लिया जाता जी, क्योंकि यह बेचा नहीं जाता, यह श्रद्धा योग खाधा जाता है। चलो मैं दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद करना मैं अपने मोदी साहब का, सेंटर सरकार का, चलो पंजाब सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल दे ते पंजाब दे चीफ मिनिस्टर कैप्टन साहब दे प्रयत्नों दे बदौलत पंजाब दे लोगों की एक बहुत वड्डी और काफ़ी टाइम तो चली आ रही मंग आखिरकार सेंटर ने मंजूर कर ली है, बड़ी खुशी की गल है। और ये नाल ही मैं केंद्र सरकार को दरख्वास्त करूँगा कि दो कदम होर अगे चल के जिन्हें भी बड़े मंदिर गुरद्वारे चर्चिज जिथे भी इस तरीके दे लंगर लगते है जां खाने का इंतजाम लोगों लिए हुंदा है वो उन्हां सारे धार्मिक संस्थावां दे उपर और समाजिक संस्थावां दे भी जिहड़े चैरिटेबल अरेंजमेंट्स खाने दे चलते है उन्हां सारयां नूं इस चीज़ का फायदा दिता जाए ताकि जिहड़ा रोटी खवाउण दा पुन्न है वो किसी दे बोझ ना बने। ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ GST ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਆ ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਉਹ ਸਾਡਾ GST ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਇੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ GST ਖਤਮ ਹੋਈ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ GST ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ MLAs ਆ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ GST ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੋ ਜਾਂ GST ਹਟਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਇੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ GST ਖਤਮ ਕੀਤੀ।